दोस्तों वेलकम टू मनीषाज क्रिएटिविटी। आज के इस वीडियो में हम लड्डू गोपाल की ज्वेलरी बनाना सीखेंगे। आज के इस वीडियो में हम लड्डू गोपाल ने जो ज्वेलरी पहनी है उसी ज्वेलरी को बनाना सीखेंगे। अगर आपको ये ज्वेलरी पसंद आ रही है तो आप वीडियो को अंत तक देखिए, और अगर नहीं तो आप यहीं पर वीडियो छोड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस ज्वेलरी को बनाने के लिए हमें एक स्टोन चैन की ज़रूरत पड़ेगी, बुकरम की, और दो वायर की ज़रूरत पड़ेगी। आप ये वायर कैसे भी ले सकते हैं, पर सॉफ्ट होने चाहिए जो आसानी से मुड़ जाए। मैंने यहाँ पर मेरे कुंडल बनाने के लिए मटेरियल रखा हुआ था तो उसके वायर यूज कर रही हूँ। और दो हमें इयररिंग बेस की ज़रूरत पड़ेगी कान्हा जी के इयररिंग बनाने के लिए। और मैंने यहाँ पर अपने कान्हा जी के नेक का नाप ले लिया है। आप भी अपने कान्हा जी का नेक का नाप लेकर इस तरह से निशान लगा लीजिए ताकि वो आपके कान्हा जी के या लड्डू गोपाल के गले में परफेक्ट आए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कान्हा जी के कंगन बनाएंगे। कंगन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर डेढ़ इंच की दो स्ट्रिप कटिंग की है। अब इन स्ट्रिप को कटिंग करने के बाद हम स्टोन की कटिंग कर लेंगे। स्टोन की कटिंग हम दो लेयर में करेंगे क्योंकि मैं यहाँ दो स्टोन की लेयर में बना रही हूँ। आप चाहें तो एक में भी बना सकते हैं। मैंने स्टोन चैन की कटिंग कान्हा जी के कंगन के हिसाब से की है। आप अपने कान्हा जी के कंगन के हिसाब से स्ट्रिप की कटिंग छोटी या बड़ी कर सकते हैं। तो अब मैंने स्टोन की कटिंग कर ली है टू लेयर में, और इसको फैब्रिक ग्लू से इसको मैं चिपका दूंगी। इसी तरह हम स्टोन की दोनों स्ट्रिप को बुकरम पर चिपका देंगे। और इसे बुकरम पर चिपकाने के बाद हम दो स्ट्रिप की कटिंग और करेंगे, और वायर को चिपकाते हुए फैब्रिक ग्लू से वायर को चिपकाते हुए इसके ऊपर हम बुकरम की स्ट्रिप को चिपका देंगे ताकि वायर दिखाई ना दे। ये वायर हम कंगन को शेप देने के लिए लगा रहे हैं। अब हम कान्हा जी के इयररिंग्स तैयार करेंगे। इयररिंग्स तैयार करने के लिए हम स्टोन की कटिंग कर लेंगे और बुकरम पर फ्लावर शेप देते हुए उसे फैब्रिक ग्लू से चिपकाएंगे। इसी तरह हम एक और फ्लावर बना लेंगे। जी का नेकलेस तैयार करेंगे। नेकलेस हम तीन लेयर की
स्टोन चैन में बनाएंगे। इसे शेप देने के लिए हम स्टोन की कटिंग कर लेंगे अलग अलग, ताकि हमारी शेप अच्छे से आ सके। और नेकलेस को यू शेप देते हुए 3 लेयर में हम फैब्रिक ग्लू से चिपका लेंगे। अब हमने जो इयररिंग के लिए जो फ्लावर बनाए थे वो सूख गए हैं। अब उसके पीछे हम फैब्रिक ग्लू लगाते हुए उस पर बुकरम की एक एक स्ट्रिप और चिपकाएंगे, और उसके ऊपर हम इयररिंग के बेस को चिपका देंगे। इयररिंग का बेस चिपकाते वक्त हमें ध्यान रखना है कि वो फ्लावर की शेप पर सही से एडजस्ट हो। अब हमने जो ये नेकलेस बनाया है उस पर एक डोरी के लिए धागा और लगाएंगे। धागा आप अपने हिसाब से गोल्डन कलर का, रेड कलर का, या फिर जो आपको अच्छा लगे वो लगा सकते हैं। अब हम अपने नेकलेस को शेप देते हुए एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग कर देंगे, और उसे शेप देने के लिए किसी बोतल या फिर आपके पास भी जो जिससे कि नेकलेस की शेप सही आ सके उसे उस पर बांधते हुए सेप दे दें। अब मेरे कान्हा जी की ज्वेलरी सूख गई है। अब मैं इसकी नेल कटर से, या फिर आपके पास अगर कोई सही कटर हो जिससे इसकी बारीकी से कटिंग हो सके, उससे कटिंग कर उस पर हम कलर कर देंगे, ताकि ये बुकरम का वाइट पार्ट दिखाई नहीं दे। मेरे पास गोल्डन कलर नहीं था तो मैं यहाँ पर मेरे पास नेल पेंट रखी हुई थी, उससे नेल पेंट का कलर कर रही हूँ। और अगर स्टोन पर नेल पेंट लग जाए तो आप उसको नेल पेंट रिमूवर से रिमूव कर सकते हैं। ये मैंने सभी पर नेल पेंट कर दिया है, और ये हमारी कान्हा जी की ज्वेलरी बनकर रेडी है। आपको ये ज्वेलरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।